आप देखना शुरू कर चुके हैं रायबरेली एक्सप्रेस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। रायबरेली में जिस प्रकार से लॉकडाउन होने के बाद से कई ऐसे परिवार जिनको दो वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा, उन परिवारों को रायबरेली के इन युवाओं की दुआएं लग रही हैं, क्योंकि इन युवाओं द्वारा एक पूरी टीम गठित की गई है जो टीम घर घर पहुंचकर दो वक्त का भोजन करा रही है। आइए देखते हैं क्या कहा युवाओं ने। ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम भाई साहब? अविनाश सिंह। आप कहाँ रहते हैं? मैं हम लोग मलिक मऊ में रहते हैं सब लोग। अच्छा, और आप इस कार्य में कब से लगे हुए हैं? जिस दिन से हमें लॉकडाउन का पता चला और पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं है, हम उन लोग को खाना और जो रॉ मटेरियल सामग्री है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं सब लोग मिलके। बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है? सर वसीम नाम है मेरा, मोहम्मद वसीम। हम भी जवाहर विहार कॉलोनी के निवासी हैं और हमारे सारे मित्र यार जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से बहुत सारे मुसाफिर हैं, उनको खाना खिलाना, बाकी जिनके पास खाने को नहीं है उनको राशन पहुंचाना, तेल पहुंचाना, तो वही सब चीज़ें हम कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम ये चीज़ें करते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो अभी आपको देख करके स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिस हिसाब से चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि आप भी आगे कितने दिनों तक इस प्रक्रिया को लागू रखेंगे, चलाते रहेंगे, और आपके पास आए के या रिसोर्सेज आप किसी संस्था से हैं या नहीं? हम किसी संस्था से नहीं, हमारे जो मित्र यार हैं आपस में लोग कंट्रीब्यूशन करके और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत हमें जो है कंट्रीब्यूट करें। कुछ लोग अनाज दे रहे हैं, कुछ लोग चावल दे रहे हैं, कुछ लोग गेहूँ दे रहे हैं, वो सब हम रॉ मटेरियल बंटवा रहे हैं, बाकी जितना हम लोगों से हो पा रहा है वो हम सब कर रहे हैं। अभी हम काशीराम कॉलोनी में 300 परिवारों के लिए खाना बनवा रहे हैं और जो जहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है सोशल मीडिया के थ्रू कोई अगर फ़ोन आता है तो वहाँ हम जाके रॉ मटेरियल बंटवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही अच्छे कार्यों में लगे रहिए।